जी हाँ, आपने आज के इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा ऑथेंटिक तरीका बताने वाले हैं जहां से आप क्रोम की डिलीटेड हिस्ट्री को देख सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आप क्रोम की डिलीटेड हिस्ट्री को देख सकते हो और किसी का भी पोल खोल सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंटरनेट की दुनिया में तबाही ला देने वाले हो और आप भी सोच रहे हो कि शायद ये फेक वीडियो है, लेकिन ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ये 100% रियल वीडियो है और मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं डिलीटेड हिस्ट्री को देख सकता हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी ताबड़तोड़ वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा, और अगर पहले से पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बता दें ताकि हम भी पता कर पाएं कि आप कितने ज्यादा स्मार्ट हो। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। अब फ्रेंड्स, यहां से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपके सामने, हिस्ट्री को डिलीट करूंगा और फिर सेम हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। अब मैं क्रोम ब्राउजर पे सपोर्टेड आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सपोर्टेड न्यू टैब पर आता हूँ, न्यू टैब पर आ जाता हूँ और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कुछ भी। यहाँ पर से कि हम सर्च कर लेते हैं लेटेस्ट मोबाइल, जैसे कि मैं आता हूँ लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग, सपोर्टेड ये मैं सर्च कर लेता हूँ। अब हम यहाँ से सर्च करते हैं, फिर हम यहाँ से इसको टैब को भी हटा देते हैं और यहाँ पर हम आते हैं थ्री डॉट पर हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री में अभी हमने जो सर्च किया लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, यहाँ से हटा देते हैं। अब इसी तरह का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप चाहो तो वो ट्राई कर लेना तो आपको 100% ये ट्रिक वर्किंग लगेगा। ट्रिक वर्किंग लगे तभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके बाद आपको सिंपली गूगल पर आना है। अब आप गूगल पर आते हो, यहाँ से ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, कुछ कंडीशन भी अप्लाई होने वाला है उसे जान लें। अब यहाँ पर उसके बाद आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। अब थ्री डॉट पर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, मोर का ऑप्शन है, उसके बाद आपको सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। अब आप सर्च हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने सर्च किया था लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स और यहाँ पर है, जो कि हमने यहाँ से अभी रिमूव किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ क्रोम का हिस्ट्री में अभी भी शोर नहीं हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स अभी भी है। यानी इस ट्रिक से आप पता लगा सकते हो कि डिलीटेड हिस्ट्री क्रोम का क्या क्या है। अब एक कंडीशन है कि यहाँ पर आपको गूगल पे सेम आईडी से, यानी कि सेम जीमेल आईडी से लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं इसका लोगो, और यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में भी सेम आईडी से आपका लॉगिन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपका सेम लोगो होना चाहिए। अगर अलग अलग जीमेल आईडी से लॉगिन रहता है तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। तो ये था छोटा सा बट कमाल का वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि यह ट्रिक वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।